और शायद किसी हद तक आप सही साबित भी हुए, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज विशेष कम नहीं हुआ। हमारा वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले उतना ही रहा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार में रहने के बाद वोट परसेंटेज बरकरार रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी कारण से हमें विश्वास था, हमें भरोसा था कि हमारी सरकार ने जो काम किया, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी के दिशा निर्देश में, हमारी सरकार ने, प्रियंका जी के सहयोग से हमारी सरकार ने जो स्कीम लेकर आए, बेहतरीन स्कीम लेकर आए, उसका नतीजा हमने ज़मीन पर देखा है। लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए। हम निराश तो हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं, और सभी लोग, सभी साथियों ने मिलकर हाई कमांड को, हमारे शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाया है कि बेशक हमारी उम्मीद से थोड़ा कम रहना कि सरकार ना बने, लेकिन लोगों का विश्वास हमने खोया नहीं है। और लोग अभी भी हमारे ऊपर नज़र डालें, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया। हम कारण देखेंगे कि कई जगह वोट हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन कई जगह हमारा वोट मार्जिन बहुत ज़्यादा हमारे पक्ष में भी रहा। तो कोई एक ऐसी बात नहीं है पैटर्न की बिल्कुल एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो, ये कहीं देखने में नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा इन बातों का। महिलाओं की बात जहाँ तक है, ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष में इतनी महिलाओं को हम जिता कर लाए, क्योंकि अब विपक्ष में हो गए इसलिए कह रहे हैं। 18 महिलाओं को टिकट दिया था सभी ने मिलकर, उनमें से 11 महिलाएं जीत कर आई। इसी तरह से कुछ एरिया में थोड़ी कमजोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में, अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह, हर कोने में जाएंगे और फिर से लोगों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ाएंगे, और लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।